हेलो सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हर इंसान को शेयर खरीदने से पहले किसी कंपनी की कंसिडर करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट विद द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। दैट मींस इक्विटी कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज निकाल दीजिए, वो इक्विटी हो गई। अब अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर डिवाइडेड बाय इक्विटी और ये परसेंटेज में कि मल्टीप्लाई बाय 100, अगर ये आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी इज लेस देन 10%, इसका मतलब आपकी कैपिटल 10% से कम रिटर्न दे रही है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज एज शोन हियर। सिमिलरली इफ इट इज मोर देन 20% इज कंसिडर्ड वेरी गुड। अगर आपकी इक्विटी 20% से ज्यादा की रिटर्न दे रही है, इट इज ऑलवेज कंसिडर दैट द कंपनी इज वेरी फॉर्मिडेबल, इट इज जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। थैंक यू।